प्राइमर क्या है? प्राइमर फाउंडेशन का एक बेस है। मेकअप में प्राइमर क्यों जरूरी है? प्राइमर एक बैरियर का काम करता है स्किन और मेकअप के बीच। अगर आप डायरेक्टली मेकअप प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाते हो तो इससे क्या होगा कि मेकअप प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके स्किन पे जाएगी, इससे आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। अगर आपने प्राइमर लगाया उसके बाद आप मेकअप प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, तो इससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी मेकअप प्रोडक्ट से, वो आपकी स्किन पे इन नहीं करने देगी, इससे आपके एक्ने पिंपल से आप बच सकते हो। जी हाँ, तो प्राइमर को कभी भी स्किप मत कीजिए। ये आपकी स्किन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल केमिकल से जो मेकअप प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। जी हाँ, अब जानते हैं कि प्राइमर क्या काम करता है। तो प्राइमर जो है आपके स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, फाइन लाइंस को फील करता है। जब आपका जो टेक्सचर वो स्मूथ हो जाता है, मतलब फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड होती है, आपका बेस फ्लॉलेस दिखता है। प्राइमर मेकअप को होल्ड करके रखता है जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में काम करता है प्राइमर। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर ऑयल प्रोड्यूस होती है तो उसे भी ये कंट्रोल करता है, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, फ्लॉलेस मेकअप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये प्राइमर जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइमर लगाएं। अगर ऑयली स्किन है तो कौन सा प्राइमर लगाएं और ड्राई स्किन है तो कौन सा प्राइमर लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हाइड्रेटिंग क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ओपन पोर्स की जिसको प्रॉब्लम होती है, जो इसके ओपन पोर्स हैं, तो वो पोर प्राइमर यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।